हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे 2019 का गेट का क्वेश्चन, जिसमें आपको काफ़ी सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक्स मतलब जो गेट का क्वेश्चन होता है और अदर जो JEE का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन में आपको बेसिक डिफरेंस पता चलेगा कि गेट के क्वेश्चन में क्या ट्रिक होता है। 8 है, इसमें पूछा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए नॉन फ्लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 1 and 2 एक्सीड बाय द परफेक्ट गैस द हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू द वर्क इंट्रैक्शन व्हेन द प्रोसेस इज, मतलब एक्चुअली में कोई प्रोसेस 1 to 2 जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 कोई प्रोसेस जा रहा है। इसमें देखो 2-3 चीजें क्वेश्चन से ही आप डिराइव कर पाएंगे कि आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में 2-3 जगह हिंट दे रखा है। हर क्वेश्चन में गेट में हिंट देते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो लेकिन वो लोग हिंट देगा, हिंट से ही आप बता सकते हैं क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व किस तरीके से होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो तरीके से सॉल्व होकर के एग्जैक्ट आंसर आ सकता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना होता है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, नॉन फ्लो प्रोसेस कह रहा है, यानी एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। पी वी ये फ्लो वर्क होता है, ये फ्लो वर्क जो एंथैल्पी इक्वल टू यू प्लस पी वी लिखते हैं ना, इंटरनल एनर्जी और पी वी, ये पी वी एक्चुअली फ्लो वर्क होता है। अगर जो फ्लो वर्क को जीरो कर दिया जाए तो एच इक्वल टू यू हो जाएगा, यानी एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पहला हिंट दिया। दूसरा हिंट कह रहा है ये परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस हम जानते हैं सी पी और जो सी वी होता है, इस ये जो सी पी होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और कॉन्स्टेंट वैल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होती है ये कॉन्स्टेंट रहती है, ये टेम्परेचर के साथ बैरी नहीं करती है। तो यानी जो इंटरनल एनर्जी का हम फॉर्मूला लिखते हैं एम सी पी या सी वी डेल्टा टी, अब ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर से, तो ये सी पी सी वी से हमारा मैटर खत्म हो गया। यानी सी वी जो डेल्टा टी हम लिखते हैं, अब ये क्या हो रहा है, जो इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर डिपेंड कर रही है। इसका कहने का मतलब ये है परफेक्ट गैस हो गई, यानी अब ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। द हीट इंट्रैक्शन इक्वल टू नेटवर्क इंट्रैक्शन, यानी जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिखते हैं, क्यू इक्वल टू डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। अब ये बोल रहा है जो डी यू है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, और इसका कहने का मतलब Q और W के बराबर हो जाए, यानी U को जीरो होना पड़ेगा। U को जीरो कब होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, पहला कि नॉन फ्लो प्रोसेस है यानी H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी है, दूसरा परफेक्ट गैस को फॉलो कर रहा है यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी अगर जो नेट टेम्परेचर चेंज हम जीरो कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू तब होगा जब ये प्रोसेस हमारा डेल्टी जीरो हो, डेल्टी तब जीरो होगा जो आइसोथर्मल प्रोसेस हो। तो आप देख सकते हैं चार जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सी ऑप्शन है आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल इज द राइट आंसर। थैंक यू।